आप सभी लोग देखते होंगे कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग हर साल अपना पेपर करवाता है। उसी तरह आप लोग राज्यों में जाइए, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो भी अपना पेपर करवाता है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, या फिर बिहार से हैं, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो इनमें भी आपका स्टेट पीसीएस पेपर होता है। और जैसे आप लोग एमपीपीएससी की बात कर लीजिए, अगर आप में से कई लोग तैयारी कर रहे होंगे एमपीपीएससी की या करने जा रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि 2020 के पहले आपका जो एमपीपीएससी का पाठ्यक्रम था यानी कि सिलेबस था, ये कुछ और था, और 2020 से ये बदल चुका है। 2020 के पहले आप लोग अगर प्रीलिम्स के पेपर उठा के देखते हैं तो आप लोगों को एसटीएससी एक्ट भी देखने को मिलते थे, और आप देखते थे कि अच्छी खासी संख्या में उससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। लेकिन आपने देखा है कि 2020 के बाद इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं है, इन्हें हटा भी दिया गया। अगर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो एक दो क्वेश्चंस बहुत से बहुत पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग एमपीपीएससी के बारे में एक विस्तार से बात कर लेते हैं, और इससे ये होगा कि आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर आपकी राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य की बात करें, तो आप सभी को मालूम होगा कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया जाता है, और इसकी राजधानी भोपाल है। और पहले आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य एमपी ही था, मध्य प्रदेश ही था, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम लोग एमपीपीएससी के बारे में बात करें, तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हो गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगा। कहाँ? इंदौर में। अगर आप लोगों को एमपीपीएससी का फॉर्म डालना है तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, और आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 12वीं के बाद आप देखते हैं ना कि आप लोग बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहा हूं, एक डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये आप सभी को मालूम होगा कि ये आपकी परीक्षा 3 चरणों में होती है। कितने? 3 चरणों में होती है, आप कह सकते हैं कि 3 स्टेज में होती है। और इसमें आप देखेंगे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, और इसमें आप लोग देखते हैं कि 2 पेपर होते हैं, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, OMR सीट पर आधारित होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि आप लोगों को गोला लगाना पड़ता है, गोला भरना पड़ता है। फिर दूसरे स्टेज में आप देखते हैं कि राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा होती है, और इसमें आप देखिए कि लिखित होते हैं, आप लोगों को आंसर लिखने होते हैं, आपके पास वैकल्पिक क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। इस तरह से आपके 3 स्टेज होते हैं। अब बात करते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की, यानी कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स की। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों पेपर, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, और दोनों ही पेपर एक ही दिन कवर हो जाते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स जिस दिन भी होगा, उस दिन जो आपका प्रश्न पत्र पहला सामान्य अध्ययन और प्रश्न पत्र सेकेंड, जिसे आप लोग सी सेट भी कह देते हैं, दोनों ही एक ही दिन में हो जाएंगे। यानी कि सुबह की पारी में आप देखिए कि आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट हो जाएगा, और सी सेट आपका दूसरी पारी में हो जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न के 2 प्रश्न पत्र होंगे, और प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजना अनुसार की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको एक लाइन में क्वेश्चंस दे देगा, और फिर नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे बोल पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कि सीधा सा क्वेश्चन अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दे, 1 नवंबर 1956, 5 नवंबर 1956, या 10 नवंबर 1960, या 10 नवंबर 1957, तो इनमें से आप लोगों को एक आंसर चुनना होगा। और इसमें प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो सामान्य अध्ययन जो 2 घंटे का होता है, और इसमें आप देखें 200 अंक का होता है, आपके सामने 100 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें जो प्रश्न पत्र पहला होता है, इस सामान्य अध्ययन के नाम से इसे आप लोग जानते हैं, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस सामने आपके आएंगे।
और ये क्वेश्चंस 200 नंबर के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चंस 2 नंबर का देखने को मिलेगा। और याद रखिए इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। फिर आप देखेंगे दूसरा प्रश्न पत्र, इसे आप लोग सामान्य अभिरुचि परीक्षण कह देते हैं या इसे सामान्यतः सी सेट कह देते हैं, और ये भी आपका 2 घंटे का होता है, और इसमें भी आप देखेंगे 200 अंक का रहता है, कितना 200 नंबर का रहता है। और यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण है और परीक्षण के रूम में ली जाती है, और इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु योग या फिर आर्य योग घोषित किया जाता है, और अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। यानी कि इनका सीधा सा कहने का मतलब है, जो आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स होगा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, ये केवल मुख्य परीक्षा में पहुंचने का जरिया है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें प्रीलिम्स के क्या होगा, प्रीलिम्स के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है, आप कह सकते हैं कि इसलिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स रखा जाता है पहले, कि बहुत सारे छात्र आप देखते हैं जो नहीं पढ़ते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, तो उनकी किस तरह से छटनी की जाए, उन्हें हटाया जाए, और जो सीरियसली जो तैयारी करते हैं वही छात्र थोड़ा पहुंचे, और इसी के लिए आप देखिए प्रीलिम्स एक तरह से रखा गया है, ठीक है। उसके आगे कहता है कि दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी कि बहुविकल्पीय होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे जिन्हें आभासा और दा में सामूहिकित किया जाएगा, और जिनमें से एक ही सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्दिष्ट सही माने गए आभासा दा में से केवल एक उत्तर पर चिन्ह लगाए। यानी कि मैंने बताया ना कि 1956 का जो उदाहरण दिया मध्य प्रदेश की स्थापना का, तो उसमें आपका ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने 4 विकल्प रहेंगे, उनमें से एक सही होगा और उस सही को आप लोगों को गोला में भरना होगा। जो आंसर की होगी यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तर पुस्तिका होगी उसमें आप लोगों को गोला भरना होगा उसमें, ठीक, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दोनों प्रश्न पत्र में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एक एक और मेरी बात है, मैं और एक बात कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर जिस भी परीक्षा की तैयारी करें उसके उठा के अपने पास रखा करिएगा, उन्हें 2 से 3 बार पढ़ा करिएगा, उनका मूल्यांकन किया करिएगा, फिर चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मुख्य परीक्षा के हो, और उन्हें देखा करिएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस बार बार दोहराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में जरूर आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक पर आप लोगों को कुछ ज्यादा ही जोर देने की जरूरत है, ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है, और कौन सा टॉपिक आप लोगों को उसकी तरफ कम एक तरह से टाइम खर्च करना है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। आप लोगों को ये बता भी चुका हूं कि दोनों प्रीलिम्स के जो दोनों पेपर होते हैं, पहला पेपर हो या दूसरा पेपर हो, इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने और 200 नंबर के रहेंगे, और 2 घंटे आपके पास समय रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 या में इतना निर्दिष्ट है, यानी कि कहने का मतलब है कि आगे चल के हम लोग इनका पाठ्यक्रम यानी कि इनका सिलेबस भी कवर करेंगे। और प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होता है, और अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चंस का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों एक तरह से देख लिया करिएगा, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हिंदी में कोई और शब्द लिखा होता है, इंग्लिश में और कोई शब्द लिखा होता है, ठीक। और प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों उनके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट यानी कि mppsc.nic.in या फिर तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि मान लीजिए कि आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो जाता है, उसके 7-8 दिन के भीतर ही आपके सामने आपकी आंसर की एमपीपीएससी जारी कर देगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चंस में गलती लगती है, कोई आपत्ति है, तो उस आपत्ति को आप लोग दर्ज करवा सकते हैं, और अभ्यर्थी प्रति प्रश्न आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क
तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आपत्ति या जमा कर सकता है और 7 दिवस के निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का भी आप लोगों को याद रखना होगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा और समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसमें ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्प में से गलत उत्तर दिया गया है, विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। और फिर आप देखेंगे प्रश्न की हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मान्य होगा एक तरह से, ठीक है। और ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हो और सही सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा, ठीक है। आप लोग कई बार देखते हैं ना कि ये क्वेश्चंस के दो दो आंसर कई बार आपके सही हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों पर एक ही भी सही उत्तर ना हो को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, और मान लीजिए 1 नवंबर सन 2000 नहीं दिया गया है, बाकी चारों ऑप्शन में कुछ और दिया गया है, तो वो क्वेश्चन से ही हटा दिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी और आयोग द्वारा वेबसाइट पर www.mppsc.nic.in पर या इन पर आप लोग देखिए आपकी की प्रकाशित कर दी जाएगी। एक बात और आपको बता दूं, कभी भी आप लोगों को किसी भी परीक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है या उसके बारे में सही अपडेट जानना है तो उसकी मेन साइट पर आप लोग ऑफिशियल साइट पर आप लोग जाया करिएगा। जैसे यूपीएससी के बारे में आप लोगों को जानना है, स्टेट पीसीएस के बारे में यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के बारे में या एमपीपीएससी के बारे में, तो इनकी मेन साइट जो है जैसे यूपीएससी की, यूपीएससी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस, इनकी मेन साइट खोला करिएगा, ठीक है। वहां सही जानकारी आप लोगों को बिल्कुल दी जाती है और सबसे पहले वही अपडेट की जाती है, ये भी आप लोगों को याद रखिएगा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के वर्गवार श्रेणीवार अधिकतम 15 गुना होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखिए अगर आपकी सीट एक है, ठीक है, तो उसके 15 गुना यानी कि 15 बच्चे लिए जाएंगे। कहां से? प्रारंभिक परीक्षा से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और समान अंक प्राप्त यानी कि उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ग घोषित किया जाएगा और केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ग घोषित किया हो मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। और मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम ये अंक 30% रखे गए। एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि आपके प्रीलिम्स में दो क्वेश्चंस पेपर होते हैं और जो आपका पहला क्वेश्चंस पेपर होता है जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर कहते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए आपकी जो मुख्य परीक्षा में आप लोगों को पहुंचने की मेरिट लिस्ट बनती है वो केवल पहले पेपर के आधार पर बनती है, लेकिन आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा जो प्रश्न पत्र सेकंड होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र होता है जिसे आप लोग सी सेट कहते हैं, इसमें आप लोगों को क्वालिफाई जरूर करना होगा। ऐसा नहीं कि आपके 200 में से 200 नंबर है पहले पेपर में और दूसरे नंबर में आप लोग फेल हैं तो आप लोग मुख्य परीक्षा में नहीं पहुंच पाएंगे। ये आप लोगों को जरूर याद रखना होगा, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं, अगर राज्य वन सेवा परीक्षा आप लोग दे रहे हैं तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है प्रश्न पत्र पहले और प्रश्न पत्र दोनों के आधार पर बनती है, दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे, उसमें कोई ऐसा क्वालिफाइंग जैसे मैटर नहीं रहता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि वही जो मेरिट लिस्ट की बात हो रही है, और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही होता है और दोनों पेपर आप सभी जानते हैं कि दोनों के पेपर राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो या राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो एक ही दिन पेपर होते हैं और वही पेपर होते हैं, ठीक है। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम
और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्त अंकों की जोड़कर तैयार की जाती है। जो आपको बताया ना कि एमपीपीएससी के दोनों पेपर होते हैं, तो अगर राज्यपाल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें दोनों पेपर के, जो आपका प्रश्न पत्र पहला है, प्रश्न पत्र दूसरा है, दोनों के अंकों को ध्यान में रखकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक है। और याद रखिए, अगर आप लोग साइंस से होते हैं तभी राज्यपाल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में का फॉर्म डाल पाते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की, यानी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पहले पेपर के सिलेबस की। प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन कहते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले आप लोगों को मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पढ़ना होगा। किसका? एमपी का। एमपी की हिस्ट्री समझ रहे हैं आप लोग, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य आप लोगों को पढ़ना होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं आप लोगों को देखने होगी और प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ना होगा आपको। फिर आप लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि भारत की आजादी में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है, किन लोगों का योगदान रहा है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। और मुझे तो लगता है कि एक हेडिंग हेडिंग बाय हेडिंग आप लोगों को कवर करना चाहिए और आप लोगों को एक तरह से शॉर्ट नोट्स भी बना लेना चाहिए इसके। फिर आप लोगों को मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत कला के बारे में पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां हैं, उन पर भी आप लोगों को विस्तार से बात कर लेनी चाहिए, विस्तार से पढ़ लेना चाहिए और शॉर्ट नोट्स उसके बना के अपने पास रख लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातियां काफी पाई जाती हैं और इन्हीं इसीलिए क्वेश्चंस भी आपके आते रहते हैं। फिर आप लोगों को मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य के बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोगों को मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां जो भी रही हैं उस पर भी आप लोगों को विस्तार से पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आपकी मध्य प्रदेश के प्रमुख जो धार्मिक एवं पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उज्जैन हो गया, भेड़ाघाट हो गया, भोजपुर मंदिर हो गया, भीमबेटका की गुफाएं हो गई, इन सब पर आप लोगों को पढ़ना होगा। और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। जो जनजातीय जो भी व्यक्ति रहे हैं, चर्चित व्यक्ति रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर आप लोगों को भारत का इतिहास पढ़ना होगा। क्या? भारत का इतिहास पढ़ना होगा और इसमें आपको प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनकी प्रशासनिक जो भी सुविधाएं रही है, जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं रही है, सिस्टम रहा है, उन पर आप लोगों को विस्तार से अध्ययन करना होगा। फिर आप लोगों को 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, समझ रहे हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, इन सब पर भी आपको विस्तार से चर्चा करनी होगी। फिर आप लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चला देश को आजाद कराने के लिए, उस पर भी आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर आपको स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन जो हुआ उसे भी आप लोगों को पढ़ना होगा और इन सब के शॉर्ट नोट्स एक बार में ही बना लीजिएगा, ठीक है, जो हमेशा आपके लिए सुविधाजनक रहेंगे। जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हो, नजदीक टाइम आ चुकता है पेपर का, तो उस समय आप लोग रिविजन आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1947 में जब हमें आजादी मिली तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लमें थी। जो देसी रियासतें हुआ करती थी वो अलग भगने की काम कर रही थी, जम्मू कश्मीर हो, जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, आप समझ रहे, इन्हें इकट्ठा करके एक देश में बना के रख पाना बड़ा मुश्किल था, तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल है, तो मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। जैसे नदियां हो गई, चंबल हो गया, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, इन पर कहां से निकलती है, कौन कौन से डैम बने हुए हैं, समझ रहे हैं, इनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही, कहां जाकर ये मिलती है, इस तरह की सामान्य जानकारी आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु,
किस तरह की जलवायु है मध्य प्रदेश की, उसके बारे में अध्ययन करिए। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, हीरा पन्ना का हीरा सुना होगा तो उस पर भी आप लोग पढ़िएगा। मध्य प्रदेश में परिवहन के बारे में आपको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं जो है, ठीक है, माता टीला बांध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मध्य प्रदेश में कृषि पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग जो है, इन पर भी आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा, ठीक है। और फिर आपको शॉर्ट नोट्स भी बना लेने होंगे। फिर आपको भारत का एवं विश्व का भूगोल भी पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश के भूगोल से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को विश्व का भूगोल भी पढ़ना होगा। और इसमें भौतिक भूगोल सबसे पहले पढ़ना होगा आपको, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ना होगा। प्राकृतिक संसाधन, वन खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और सफारी, इनके बारे में एक तरह से विस्तार से अध्ययन करिएगा। फिर आपको सामाजिक भूगोल यानी कि जनसंख्या संबंधी, जनांकिकी या जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियां, यानी कि जो सेंसस आप लोग पढ़ते हैं ना, जनगणना, अभी आपने देखा है 2011 की चल रही है, 2021 की आने के बाद 2021 की चलने लगेगी। 21 में अभी देख रहे हैं जो प्रॉब्लम कोरोना के कारण पूरी नहीं हो पा रही है। और याद रखिए सेंसस से यानी कि आपकी जो जनगणना होती है उनसे क्वेश्चन हमेशा आपकी परीक्षाओं में दो तीन चार पूछे जाते रहते हैं। और आर्थिक भूगोल के बारे में आपको पढ़ना होगा। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के जो महाद्वीप हैं, देश है, महासागर है, नदियां हैं, पर्वत हैं, इनके बारे में भी पढ़ना होगा। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत तो और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो हैं, इन पर भी आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा। और एक बात और आपको बता देता हूँ, एक बार आप लोग प्ले लिस्ट सूची जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने विश्व का मानचित्र कवर किया हुआ है उसमें मैप का सहारा लेकर सभी देशों को कवर किया हुआ है, सभी महाद्वीपों को कवर किया हुआ है, सभी महासागर, नदियां, पर्वत, झीलें, जो भी है, बहुत आसानी से कवर किया हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग मैप का सहारा लेकर कोई टॉपिक कवर करते हैं तो उसे लंबे समय तक आप लोग याद रख पाते हैं और उसका आंसर देने में काफी आसानी होती है आपको, ठीक है। फिर आपकी राज्य की संविधानिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की संविधानिक व्यवस्था जैसे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ठीक है, इन पर आप लोग पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से भी आपके अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। फिर इसी में आप देखें राज्य की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश की प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की प्रमुख जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करिए। और आप देखिए इसी इन्हीं को लोग यूनिट दे देते हैं कि 10 यूनिट में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस बटा हुआ है, तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों को सुविधा हो सके उस हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। फिर आप देखिए कि आप लोग भारत का संविधान, शासन प्रणाली और एवं अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना होगा। और इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 को पढ़ना होगा। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत का संविधान है अभी, इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही देखने को मिलेगा। फिर आप सभी जानते हैं संविधान सभा के बारे में पढ़ना होगा आपको, और इसका भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है, भारत का संविधान बड़े विस्तार से बात किया हुआ है मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। फिर आपको संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद के बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोगों को नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में पढ़ना होगा। और फिर आपको संविधानिक संशोधनों के बारे में पढ़ना होगा। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात। फिर आपकी वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएससी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इन पर विस्तार से अध्ययन करना होगा। और मेरा ऐसा मानना है देखिए कि भारत में अगर कोई व्यक्ति रहता है वो किसी एग्जाम की तैयारी करता है या नहीं करता है, कम से कम उसे भारत के संविधान के बारे में तो मालूम होना चाहिए, उसके जो मौलिक अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, हमारे देश की सरकारें किस तरह से बनती हैं, हमारे यहाँ चुनाव किस तरह से होते हैं, इनके बारे में तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए ना, ठीक है। फिर आप लोगों को आप कह सकते हैं 7वीं यूनिट है तो इसमें विज्ञान एवं पर्यावरण के बारे में पढ़ना होगा।
तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत क्या है, उस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना होगा, पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में आपको पढ़ना होगा, और पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में पढ़ना होगा, पोषण आहार और पोषक तत्व के बारे में पढ़ना होगा, फिर आपको मानव शरीर संरचना के बारे में पढ़ना होगा, कृषि उत्पाद तकनीक के बारे में पढ़ना होगा, और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में पढ़ना होगा। स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उस पर आपको विस्तार से चर्चा करनी होगी, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आती है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाएं, यानी कहने का मतलब है करंट अफेयर्स, और इसमें आप लोगों को एमपी का भी जोड़ना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आप देखिए जो दुनिया की घटनाएं घटती रहती है, भारत में घटनाएं घटती रहती है, आपके राज्यों में घटनाएं घटती रहती है, उन्हें भी आप लोगों को कवर करना होगा। और इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्थान जो भी चर्चा में रहते हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार जो मिलते रहते हैं उस पर विस्तार से अध्ययन करिएगा, ठीक है। फिर आपको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे यानी कि यूपीएससी की, तो आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया होगा, तो इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना होगा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना होगा, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्क, नेटवर्किंग साइट के बारे में पढ़ना होगा, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना होगा। और आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी का ही तो जमाना आ चुका है, ठीक है। फिर देखिए आप लोगों को ये देखिए, पहले भी इनसे संस्थाओं से क्वेश्चंस आते थे, लेकिन नए पाठ्यक्रम में इन्होंने क्या किया कि साफ बता दिया कि इन संस्थाओं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है देखिए कि हाँ, कुछ अच्छी संख्या में इनसे क्वेश्चंस आपकी आने की संभावना भी रहेगी। तो जो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं हैं, सांविधिक संस्थाएं हैं, इन पर आप लोग विचार कर लीजिए, इन्हें पढ़ लीजिए। इसमें भारत का निर्वाचन आयोग होता है, आप सभी जानते हैं कि ये जो भारत, आपको राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भी देखने को मिलेगा, भारत निर्वाचन आयोग, और आपके राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग। अब आप कहेंगे कि क्या काम होते हैं इनके, तो आप सभी जानते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग होता है, ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के जो आप कहते हैं विधानसभा, विधान परिषद, इनके चुनाव करवाता है, इनकी देखभाल करता है। जो आपके राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जो राज्यों में इनके जो स्थानीय चुनाव होते हैं, विधान जो आप देखते हैं, सरपंच, प्रधान, या फिर जनपद या जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इनके चुनाव करवाता है, ठीक है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना होगा, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना होगा, मध्य प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग है इसके बारे में पढ़ना होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ना होगा, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग, इन सभी संस्थाओं को आपको कवर करवाना होगा या करना होगा। और एक बात और आपको बता दूं, एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से, उसमें जो आपके राष्ट्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहने का मतलब WTO, WHO, UNO, इन सब के बारे में विस्तार से बात की गई है, और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बात की गई है, तो वहां जाकर आप लोग कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र पहला होता है, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर कह देते हैं, तो उसका पाठ्यक्रम इतना है। अब आप सभी जानते हैं कि दूसरा पेपर भी होता है जिसे सी सेट कहते हैं सामान्यता, इसे सामान्य अभिरुचि परीक्षण भी कह देते हैं आप लोग। तो इसमें याद रखिए बौद्ध गम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या का समाधान, सामान्य मानसिक योजना, और यानी कि आपके दिमाग की एक तरह से वो परीक्षा लेना चाहते हैं कि आपका दिमाग कितना चलता है। और एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, पूछ लिया था कई बार इस तरह का, सी सेट में, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है कि मान लीजिए कि आपका, अभी लास्ट मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका दोस्त नकल कर रहा है, और आप देखिए कि अगर आप क्या करोगे उस समय, या फिर एक क्वेश्चन इस तरह का भी आया हुआ था कि सड़क पर पत्थर डला हुआ है, तो उसे देखकर आप क्या करोगे, उठा के पास में रख दोगे या डला रहने दोगे, सोचोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कभी कभी जो हम नहीं करते हैं वो भी हमें करना होता है परीक्षा में, समझ रहे हैं।
तो बड़ा ध्यान से पढ़ा करिएगा, बड़ा निडर, एक तरह से आप पक्षपात, एक तरह से आप न्यूट्रल अगर अपने आप को रखते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, तो इनका आंसर आप लोग बेहतर दे पाएंगे। ठीक है, आधारभूत संख्या ने संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि, 10वीं कक्षा स्तर का आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, 10वीं कक्षा का स्तर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, और सी सेट आप लोग अगर आराम से पढ़ते हैं तो आराम से निकाल ले जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप लोगों को पढ़ना जरूर होगा। और याद रखिए, इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो अगर आप लोग अंग्रेजी मीडियम से हैं यानी कि इंग्लिश मीडियम से है तो आप लोग इसे देख सकते हैं, वही पाठ्यक्रम आपका प्रीलिम्स का है, ये पहले पेपर का हो गया। ठीक है, और ये आप देखिए, ये आपके दूसरे पेपर का होगा प्रीलिम्स का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पर। प्रीलिम्स आप लोग निपट चुके हैं, मान लीजिए कि अगर आप लोग प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं, यानी कि आप लोग प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, फिर आता है आपका दूसरा स्टेज, दूसरा चरण, जिसे आप लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं, जिसे आप लोग लिखित परीक्षा भी कह देते हैं। तो इसमें कुल आपके 6 पेपर होंगे, कितने? 6 पेपर होंगे, और सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे, सभी पेपर आपके लिए जरूरी होंगे। ठीक है, इसमें पहला पेपर प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट कह देते हैं, इसमें इतिहास और भूगोल से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि कितना टाइम मिलता है, तो 3 घंटे का समय मिलता है, और 300 नंबर रहते हैं इसमें, और हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपा रहेगा आपका पेपर। ठीक है, फिर आप देखिए, दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड कह देते हैं, दूसरा कह देते हैं, इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र शास्त्र से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा, 300 नंबर रहेंगे इसके लिए, और हिंदी अंग्रेजी में छपा रहेगा। ठीक है, और तृतीय प्रश्न पत्र, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड कह देते हैं, तो इसमें विज्ञान एवं तकनीक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, और 3 घंटे का समय मिलेगा, 300 नंबर रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी में ए भी रहेगा। फिर आता है चतुर्थ प्रश्न पत्र, और इसे सामान्य अध्ययन पेपर फोर्थ कह देते हैं, इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र जो फोर पढ़ लेता है, इसे इसके पाठ्यक्रम को कवर कर लेता है, वो काफी अच्छा इंसान जरूर बन जाता है निर्णय लेने में, आप सोचिए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपके पास 3 घंटे का समय लगेगा आंसर लिखने के लिए, लेकिन ये 200 नंबर का रहेगा, अंग्रेजी हिंदी में छपा रहेगा। ठीक है, आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में ही लिखेंगे आप लोग, लेकिन अंग्रेजी सहूलियत के लिए अंग्रेजी में भी छपा रहता है। फिर आपका पंचम पेपर होगा, इसे आप लोग सामान्य हिंदी और व्याकरण कह देते हैं, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखिए, 3 शुरुआती पेपर, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड, ये 300 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है ये 200 नंबर का रहेगा, और पंचम प्रश्न पत्र ये भी 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये केवल हिंदी में रहेगा, जब हिंदी का पेपर है तो हिंदी में रहेगा। और छठवां पेपर की बात करें तो ये हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन की बात होती है, जिसे आप लोग कैसे कह देते हैं, इसके पास, इसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा, और आपके पास 100 नंबर रहेंगे, और हिंदी में ये रहेगा। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि अगर आप लोग मुख्य परीक्षा भी पास कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं इंटरव्यू में, इसे आप लोग साक्षात्कार कह देते हैं, और ये 175 नंबर का रहेगा, कितना? 175 नंबर का रहेगा। मुख्य परीक्षा भी 1400 नंबर की रहेगी टोटल, इस तरह से टोटल नंबर हो जाते हैं आपके 1575। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं, वो 1575 नंबर को ध्यान में रखते हुए ये बनाई जाएगी, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब बात आती है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र, जो मुख्य परीक्षा की बात हो रही है, इसका पूर्णांक 300 नंबर का रहता है, समय 3 घंटे रहता है, इसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे, तो मुझे लगता है पुराने क्वेश्चंस पेपर अगर आप अपने पास उठा के रख लेते हैं तो मुझे लगता है और बेहतर आप लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, आ और बा रहेंगे,
और प्रत्येक खंड में 150 अंकों का होगा, यानी कि 150 नंबर का होगा, और प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित होगा, और प्रत्येक इकाई में से आपको 3 अति लघु उत्तरीय और 3 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम और अधिक की जा सकती है सकेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को 10वीं 11वीं 12वीं याद आ गई होगी क्लास, कि आप लोग उस समय लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस लिखते थे। ठीक है, और प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 3 अंक 3 अंक तथा लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 11 अंक पूर्णांक होगा। यानी कि जो लघु अति छोटा क्वेश्चंस होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए आपको 3 नंबर का होगा, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो 5 अंक का होगा, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा पथ होगा प्रश्न होगा जो वो 11 नंबर का होगा। तो 3 5 11 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 30 अंक होंगे, और 30 अंक होंगे, और इसी प्रकार दोनों खंड आवा में कुल पूर्णांक 150 150 होंगे, और इस तरह प्रथम प्रश्न पत्र के पूर्णांक 300 का होगा, और प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द 1 पंक्ति होगी। यानी कि जो छोटा आंसर है जो 3 नंबर का है, ये आपको 10 शब्दों या फिर 1 लाइन में देना होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को शब्दों की सीमा भी याद रखनी है, और प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न का आदर्श शब्द सीमा यानी कि जो 5 नंबर का होगा, ये आप लोगों को 50 शब्द या फिर 5 से 6 पंक्ति में लाइन में देना होगा, और जो 11 नंबर का रहता है जिसे आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह देते हैं, ये आपको 200 शब्द में लिखना होगा। कितना? 200 शब्द में लिखना होगा। ठीक है, थोड़े कम बढ़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि मान लीजिए 195 या 210 या 205 हो जाते हैं, इतना ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, कई लोग क्या रहते हैं गिन गिन के करते हैं, तो इतना ध्यान मत रखिए, वरना मालूम चला कि आपका क्वेश्चन छूट गए, समय ही नहीं बचा आपके पास। दूसरा, आप देखते हैं सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में पूर्णांक 300 का होता है, समय 3 घंटे का होता है, और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं आवा, और इसमें आप देखेंगे 150 और 150 अंकों के रहते हैं, और उसी तरह से आप देखिए। ठीक है, आपके पास 3 और 5 और 11 अंक के रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इन्हें भी आप लोग जाकर पढ़ते रहिए आराम से, उसी तरह 10 शब्द का होगा, 50 शब्द या 200 शब्द। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र, और फिर आता है सामान्य अध्ययन पेपर तीसरा तृतीय प्रश्न पत्र, ये भी 300 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटे रहेगा। ठीक है, और सामान्य अध्ययन में आपका तृतीय प्रश्न पत्र 10 इकाइयों में विभाजित होगा, और प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय 2 लघु उत्तरीय 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देना होगा, और ये भी आपका 3 नंबर 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो मुझे लगता है कि इन्हें अगर आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो जरूर आप लोग बेहतर जान सकेंगे। 10 शब्द में 3 अंक का देना होगा, 3 अंक का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको 10 अंक में 10 शब्दों में देना होगा, या फिर जो 5 नंबर का है वो 50 शब्दों में, और जो 11 नंबर का है वो 200 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। फिर आता है आपका सामान्य अध्ययन के चतुर्थ प्रश्न पत्र, ये आपका 200 नंबर का रहता है, और समय इसके लिए 3 घंटे ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में 5 इकाइयों में विभाजित होगा, और जिसमें प्रत्येक से चतुर्थ इकाई तक, प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु उत्तरीय 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय या फिर प्रश्नों के उत्तर देना होगा, प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी, और प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक और लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 20 अंक पूर्णांक होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जो छोटे आंसर होंगे अति लघु है उत्तरीय क्वेश्चन होगा, उसका आंसर लिखने के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अब देखिए कैसा लिखते हैं आप लोग, उस पर निर्भर करता है। जो लघु उत्तरीय रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा, और जो दीर्घ उत्तरीय रहेगा वो 20 अंक का रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक 40 अंक होंगे। ठीक है, और प्रथम प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई में आपको एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से 2 केस स्टडी की समीक्षात्मक टिप लिखनी होगी, और प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक आपको दिए जाएंगे। आप लोग सब पढ़ेंगे जब मुख्य परीक्षा में आप लोग जाएंगे, और कुल पूर्णांक आपको बता चुका हूँ। जो देखिए छोटे आंसर होंगे जिन्हें आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, इनकी सीमा आपको 10 शब्दों में लिखना होगा,
जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे इन्हें 50 शब्द या 5 से 6 लाइन में लिखना होगा, और जो आपके बड़े होंगे जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं ये 200 शब्दों में लिखना होगा, और केस स्टडी जो लिखते हैं आदर्श शब्द सीमा इसकी 500 शब्द रखी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका पंचम प्रश्न पत्र, ये आपका 200 नंबर का रहता है, इसके लिए भी आपके पास 2 घंटे का समय रहता है, हिंदी व्याकरण, ठीक है। आप लोग 10वीं 12वीं तक आप लोग पढ़े हो हिंदी व्याकरण, अभी भी आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें हिंदी आती है, तो आप लोग पढ़ते जरूर होंगे, ठीक है। और एक किताब आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे हम लोग इस पर बात विस्तार से बात करते रहेंगे सभी किताबों पर, प्रीलिम्स के लिए क्या, मुख्य परीक्षा के लिए, निबंध के लिए क्या, लेकिन हिंदी के लिए बड़ी फेमस किताब है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की, और मुझे लगता है काफी अच्छी किताब है। तो पांचवें पेपर में अगर हम लोग पहुंचे तो प्रथम प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय कुल 25 प्रश्न होंगे जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, और प्रत्येक के लिए प्रश्न के लिए 3 अंक रखे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र अलंकारों से संबंधित होगा और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक होंगे। और तृतीय प्रश्न पत्र में 2 उप प्रश्न होंगे जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंकों का होगा, और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट 15 अंकों का होगा, और इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल 35 अंक रखे गए, यानी कि आपको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना होगा और अंग्रेजी से हिंदी में, ठीक है, ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा जिसमें संधि समास विराम चिन्ह इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें कुल 20 नंबर का होगा ये, ठीक है। और पांचवा प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावलियों से संबंधित होगा और ये 20 अंक का होगा। छठा प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा, ये 20 नंबर का होगा। और सातवां प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन से संबंधित होगा और ये 10 अंक का होगा। आठवां प्रश्न गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा, 10 अंक का होगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी, आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकेंगे, ये आपका एमपीपीएससी पर आयोग पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर आता है आपका छठवां प्रश्न पत्र, और ये 100 नंबर का रहता है, इसके लिए टाइम आपको 2 घंटे मिलता है, वैसे आप लोग हिंदी निबंध या प्रारूप लेखन कहते हैं। और प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रश्न क्रमांक पहला प्रथम निबंध होगा जिसमें आपको किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा, और प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी होंगे, यानी कि आपके सामने ऑप्शन भी दिए जाएंगे कि इनमें से एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, और ये 50 अंक का होगा, ठीक है। और दूसरा क्रमांक होगा जो प्रश्न का द्वितीय निबंध समसामयिकी समस्या निदान से संबंधित होगा जिसमें किसी एक विषय पर 500 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा, और ये भी प्रश्न में आंतरिक विकल्प होंगे, और ये भी 25 अंकों का रहेगा। कहने का मतलब है कि दूसरा जो आपका प्रश्न होगा वो भी निबंध का ही होगा, लेकिन करंट में जो कोई घटना घटी होगी उस घटना पर आपको निबंध लिखना होगा और 500 शब्दों में लिखना होगा, और आपके सामने कुछ टॉपिक दिए जाएंगे करंट के जो भी टॉपिक रहेंगे उनसे एक आपको चॉइस करना होगा, विकल्प चुनना होगा, और ये 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर प्रश्न पत्र क्रमांक 3 रहेगा और प्रारूप लेखन से संबंधित होगा, और इसमें हिंदी 2 प्यारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा, और प्रत्येक प्यारूप लेखन आदर्श शब्द सीमा 250 रखी गई है, और प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी होंगे, 25 अंक का होगा, यानी कि प्यारूप लेखन आप लोगों को लिखना होगा और इसमें हिंदी में ही लिखना होगा, और आपको बता दूं कि 250 शब्दों में लिखना होगा, और इसके लिए 25 अंक आपको रहेंगे, और प्रश्नों की संख्या ये आवश्यकता हो सकती है, वैसे तो अभी तक यही चल रहा है, अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप देखिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की हम लोगों ने प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम देख लिया, उसका पैटर्न भी देख लिया, फिर हम लोगों ने मुख्य परीक्षा का पैटर्न देख लिया कि इसका पैटर्न किस तरह से रहेगा। अब हम लोग चलते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की कि किस किस एक तरह से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है या पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र पर चलते हैं, और इसमें खंड आपको बताया था ना कि 2 खंड में बटा होगा, तो इसमें इतिहास, और इतिहास में इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन आएंगे। इसमें इकाई एक में पढ़ेंगे आप लोग भारतीय इतिहास, भारत की राजनीतिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक के इतिहास के बारे में आप लोग पढ़ाई करेंगे, और वैसे आप लोग पढ़ते भी हैं। फिर इसमें इकाई दूसरी रहेगी, इसमें इकाई दूसरी में आप लोग 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ेंगे। मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन की भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है उस पर आप लोग बात करेंगे। और फिर इकाई तीसरी में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति
भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासियों के जो विद्रोह हुए, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम हुआ, भारत का पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात जो भी प्रमुख घटनाएं घटी हुई हैं उस पर आप लोगों को विस्तार से अध्ययन करना होगा। फिर इकाई चार में मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विभिन्न कला प्यारूपों, साहित्य और पर्व उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा और इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर इकाई पांच में आप लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें गौड़वाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत, प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक, इन सब पर भी विस्तार से अध्ययन करना होगा, इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो उस पर भी आपको गहन अध्ययन करना होगा। फिर आपका देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में ही जो खंड बा है इसमें आप लोगों को भूगोल पढ़ना होगा और इसमें इकाई एक में विश्व का भूगोल पढ़ना होगा। प्रमुख भौतिक लक्षण पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, इन पर विस्तार से अध्ययन करना होगा। प्रमुख भौगोलिक घटनाएं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, क्रिया, चक्रवात, विश्व की जलवायु, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु परिवेश, प्रदेश, जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव पर आप लोगों को विस्तार से बात करनी होगी। इसी में आपको इकाई दूसरी है भारत का भूगोल पढ़ना होगा। प्रमुख भौतिक स्वरूप पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है। भारत की भू आर्कटिक प्रदेश के बारे में पढ़ना होगा। भारत की जलवायु की मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, इन पर विस्तार से अध्ययन करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का संसाधन प्रकार एवं उपयोग, जल, वन, मृदा, शैल एवं खनिज, इन पर भी आप लोगों को पढ़ना होगा। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या पर आपको अध्ययन करना होगा। खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, संभावनाएं एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योगों की पूर्ववर्ती और एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति, श्रृंखला प्रबंधन, इस पर आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा। फिर इकाई तीन में मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे आप लोग और प्रमुख भू आकारिकी प्रदेश यानी कि नर्मदा घाटी, मालवा पठार के विशेष संदर्भ में पढ़ना होगा। प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु के बारे में पढ़ना होगा। मिट्टी के बारे में मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण, मृदा निर्माण, मृदा क्षरण, मृदा ह्रास की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा, उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन, इस पर आपको विस्तार से पढ़ना होगा। आप लोग कहेंगे कि ये सब हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या काम रहता है? अब देखिए आप लोग कहीं डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तहसील बनते हैं, दार बनते हैं, आप लोग इस फील्ड में जाते हैं आप लोग, तो आप लोगों को लोगों की समस्याएं सुननी होंगी। अब आप लोगों को उन समस्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, समझ रहे? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, प्रकाश, प्रकार, वितरण, उपयोग, प्रमुख उद्योग कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, राज्य की जनजातियां, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशेष संदर्भ में आप लोगों को विस्तार से अध्ययन करना होगा। इसमें इकाई चार में आप लोग जल एवं आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, पेयजल आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण, गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, जल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, भू जल और जल संग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे, उनका संबंध, सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार और जीवन रक्षा हेतु दक्षता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग MPPSC या UPSC के पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो आप कुछ पा पाए या ना पा पाए, कहीं आप सफल हो पाए या ना हो पाए, अच्छे इंसान आप लोग बेहतर बन पाएंगे। मुझे लगता है कि आप कभी अपने आप को असफल महसूस नहीं करेंगे। आप अगर 100% देंगे तो आपके पास रोजगार के, आप सोचिए, कई विकल्प खुले होंगे। आप बेहतर बिजनेसमैन बन सकते हैं, बेहतर आप लोग कृषक बन सकते हैं, समझ रहे? फिर आप देखिए इकाई पांच, भूगोल की आधुनिक तकनीक जिसमें सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग या फिर GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली, घटक एवं उपयोग, GPS भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, आधारभूत संकल्पना उपयोग, इन पर आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा। तो ये होता है मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र पहला, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। अब चलते हैं मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र पर और इसमें भी आप देखते हैं कि खंड आ और खंड बा में बटा रहता है, ठीक है? तो इसमें खंड ए में आप लोग संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना के बारे में आपको पढ़ना होगा।
इसमें इकाई एक में भारतीय संविधान निर्माण विशेषताएं मूल ढांचा प्रमुख संशोधन जो हुए उस पर विस्तार से अध्ययन करिए। वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निदेशक, तत्व, मूल कर्तव्य, इन पर आपको पढ़ना होगा। संघवाद के अंदर राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका, इस पर आपको विस्तार से पढ़ना होगा। इकाई दो में आप लोग भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग के बारे में पढ़ना होगा। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, मतदान, व्यवहार, सिविल सोसाइटी, जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आप लोगों को चर्चा करनी होगी। फिर आप देखिए इकाई पांच, इकाई तीन, संविधान के 73वें 74वें संविधान के संशोधन हुए थे, जिसमें आप देखते हैं कि पंचायतों की व्यवस्था की गई, नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई, इन पर आपको जन भागीदार, स्थानीय शासन, इस पर विस्तार से अध्ययन करना होगा। इनसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। जवाबदेही अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और वैसे आप लोगों ने प्रीलिम्स में भी इसे पढ़ते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, मीडिया की भूमिका, समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया, इस पर भी आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा। इकाई चार में भारतीय राजनीतिक विचारक, कौटिल्य हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में विस्तार से आपको पढ़ना होगा। इकाई पांच में आप लोग प्रशासन एवं प्रबंधन, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन, लोक प्रशासन के सिद्धांत, शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व, वित्तीय आयोजन के बारे में पढ़ना होगा। संगठन के सिद्धांत, पद, सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नई नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन, विकास प्रशासन, इस पर भी आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा। ठीक है, अब आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, जो मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर है आपका, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर से एकेंड कह देते हैं, इसका आ पाठ हम लोगों ने पाठ्यक्रम देख लिया, बा भी है इसमें। इसमें आप लोगों को अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना होगा। इकाई एक में भारत के कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र के मुद्दे, पहल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारी बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति, अक्षीय कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति, लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में पढ़ना होगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा, ओपेक, इन सबको पढ़ना होगा। और याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ कि जो प्लेलिस्ट महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से बनी हुई है, उसे एक बार आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो उसके बाद आपकी शिकायत नहीं रहेगी कि कुछ क्वेश्चन छूटे थे। इकाई दो में मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख फसलें, कृषि जोत एवं फसल पितरू, फसलों के उत्पादन वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यान की, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे, समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण, विपणन से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां। आपसे ही पूछता हूं कि मान लीजिए आप लोग कल आप लोग डिप्टी कलेक्टर या आप लोग तहसीलदार या कलेक्टर बन जाते, आपके पास किसान समस्याएं लेकर आते हैं कि उनके यहाँ बीज की समस्या है या मिट्टी में ये कमी देखी जा रही है, तो आप लोगों को ज्ञान हो, कुछ कुछ जानकारी हो, तभी तो आप उन किसानों की समस्याओं को एक तरह से समाधान कर पाएंगे। हम उनके एक तरह से वो हमारे हम उनके सेवक होते हैं, समझ रहे, और हमें उनकी हर समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब पढ़ने के लिए कहा जाता है, वरना आपसे ये नहीं कह देता कि आप लोग वन डे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, उसी से आप लोग बन जाएंगे सब। इसी में आप लोग कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा और संसाधन पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का जनांकीय परिदृश्य, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां, चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन, उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, ट्रेड्स। ठीक है, फिर इकाई में मानव संसाधन विकास के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा,
निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे उनकी कल्याणकारी कार्यक्रम, निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। ठीक है, इकाई चार में आप लोग सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्ट धर्म, मत पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियां, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार, शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वसेवा क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां, कुटुंब न्यायालय, इन्हें पढ़ना होगा। इकाई पांच में आप लोग जनसंख्या, स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास एवं परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व व उत्सव, महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु संबंध, कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण संक्रामक असंक्रामक बीमारियों के उपचार, विश्व स्वास्थ्य संगठन उद्देश्य इसका क्या है, WHO का संरचना कार्यक्रम। ठीक है, इस पर भी आप लोगों को पढ़ना हुआ है, इसके बारे में भी विस्तार से बात किया हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा का दूसरा प्रश्न पत्र खत्म होता है, जिसे आप लोग सामान्य पेपर सेकंड कहते हैं। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग तृतीय प्रश्न पत्र के, इसमें विज्ञान एवं तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें इकाई एक में कार्य बल, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव, दबाव एवं कार्य, इकाइयों और माप दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि परिभाषा, इसकी प्रसार का माध्यम, सर्व और असर्व ध्वनि, शोर और संगीत, ध्वनि संबंधित शब्दावली, आयाम, तरंग लंबाई, कंपन की आवृत्ति के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते थे ना, फिर आप लोगों को विद्युत, विभिन्न प्रकार के सेल परिपथ के बारे में पढ़ना होगा, चुंबक गोड़, कृत्रिम चुंबक का निर्माण, उपयोग के बारे में पढ़ना होगा, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, ऊष्मा में ताप मापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण के बारे में पढ़ना होगा। प्रश्न पत्र तीसरे में इकाई दो है, इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण, परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता, इन सब का अध्ययन करना होगा, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, आवर्त सारणी, अपवर्तिता के बारे में पढ़ना होगा, परमाणु, परमाणु संरचना, संयोजकता बंध और परमाणु संलयन विखंडन के बारे में आपको पढ़ना होगा, हाइड्रोजन परमाणु बम के बारे में भी पढ़ेंगे, यहीं अम्ल, क्षार, लवण और पीएच मानक सूचक के बारे में पढ़ना होगा, कि पीएच मान इसका इतना होता है, समझ रहे हो, उसकी बात, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना होगा, दैनिक जीवन में जो रसायन का महत्व है उस पर आप लोगों को विस्तार से अध्ययन करना होगा। इकाई तीसरे में सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि के बारे में पढ़ना होगा, कोशिका संरचना, कार्य एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों के वर्गीकरण के बारे में, पौधों, पशुओं, मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हीनताजन रोग, हार्मोन्स, मानव के शरीर के अंग, संरचना एवं कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ना होगा, जीवों में शोषण के बारे में पढ़ना होगा, पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना होगा, पशुओं और पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बीमारियों पर आपको अध्ययन करना होगा। मान लीजिए आप किसी क्षेत्र के DM हैं और वहाँ बीमारियां फैल रही हैं, तो आपको उस बीमारी के बारे में मालूम ही ना हो तो आप लोग क्या करेंगे फिर। इकाई चार में आप लोग कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी, जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट, ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, सोशल मीडिया के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट्स और वेब पेजेस के बारे में आप लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इकाई पांच में संख्याएं एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनफल, गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, सांख्यिकी, प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, मध्य माध्यमिका और बहुलक एवं विचरणशीलता की माप, प्रादर्श की प्रकार, इस सब पर आप लोग पढ़ेंगे। इकाई छह में संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुध, चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी, केंद्र राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इकाई की बात करें तो मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की सीमाएं, रिमोट सेंसिंग की इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे आप लोग इसरो के बारे में जानते हैं, इसे भी आप लोगों को पढ़ना होगा, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में, इंदौर
जो मैं जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र मुंबई और टाटा मूलभूत संसाधन अनुसंधान संस्थान मुंबई के बारे में पढ़ना होगा। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति, तरल प्रणोदन प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलोर, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्किंग बेंगलोर, इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर बेंगलोर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। इन सभी संस्थाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास आपको रखना होगा, ठीक है। और इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। भूस्तर उपग्रह, विक्षेपण यानों की पीढ़ियां, जनरेशन, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग, किलोन्स, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ना होगा, बौद्धिक संपदा के अधिकार, पेटेंट, टिप्स और ट्रिम्स के बारे में पढ़ना होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, एम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, APG अब्दुल कलाम, सत्येंद्रनाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इनके बारे में विस्तार से आपको गहन अध्ययन करना होगा। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिए जाते हैं उस पर भी आपको विस्तार से बात करना होगा। इकाई 8 में ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, अर्थ परिभाषा, उदाहरण और अंतर पर आप लोगों को गहन अध्ययन करना होगा। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन, उत्पादन योजना, नियंत्रण एवं रखरखाव के बारे में पढ़ना होगा। ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे, चुनौतियां, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावना के बारे में, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि के बारे में पढ़ना होगा। इकाई 9 में आप लोग पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र, आयाम के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक आदि भारत में किस भारत संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा के बारे में अध्ययन करना होगा। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां, पर्यावरण क्षरण के कारण और प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उनका उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियां और नियामक के बारे में आपको पढ़ना होगा। एक सामान्य जानकारी लेनी होगी। मेरा मतलब है, मेरा कहना है कि आप लोगों को लाइन बाई लाइन टॉपिक आप लोगों को सिलेबस कवर करना होगा और इनके जहां तक हो सके आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए और मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। इकाई 10 में बात करें तो भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, महत्व, पृथ्वी भूपर्वती, मेंटल कोर, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, भूवैज्ञानिक समय सारिणी, शैल, चट्टाने, परिभाषा, प्रकार, अग्नेय, औषधि, कायांतिक शैल, खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय, अपरदन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोलिया, कोयला और प्राकृतिक तेल और गैस के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये 10वीं इकाई में आप लोगों को कवर करना होगा। फिर आता है आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र, फोर्थ नंबर का प्रश्न पत्र, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर 4 कह देते हैं। इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन पर आप लोगों को गहन अध्ययन करना होगा। इसमें इकाई की बात करें तो पहली इकाई में दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक जो रहे हैं, सुकरात हो, प्लूटो हो, अरस्तु हो, महावीर बौद्ध या महावीर जैन साहब बौद्ध, आचार्य शंकर, चार्वाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्री बाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महेश महेशी अरविंद और सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनके बारे में आप लोगों को जानकारी इकट्ठी करनी होगी, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इकाई 2 में बात करें तो मनोवृत्ति, विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, अभि क्षमता, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहामा, समानुभूति, सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, करुणा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लिए आपको ये पढ़ाया जाता है। आप लोग वहां जा रहे हैं जहां एक तरह से बड़े निर्णय लेना होता है। नेता तो आप देखिए, नेता बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए होती है। अगर देश को, राज्यों को, अगर अपने देश को कोई चलाता है वो होते हैं आप ही लोग। सांवेदिक बुद्धि, अवधारणा, प्रशासन, शासन में इसकी उपयोगिता, अनुपयोग, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है।
फिर आप देखेंगे इकाई 3 में आप लोग मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तथ्य, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उचित उच्च मूल्यों का पालन। इकाई 4 भ्रष्टाचार, जिसके कारण आप देखिए पूरा देश जूझता है। भ्रष्टाचार के विकार कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने कम करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार, भीसल ब्लोवर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल और लोकायुक्त। आप देखिए लोकपाल जब बनाया गया था तो कहा जाता था कि ऐसा समझा जा रहा था कि कोई जादू की छड़ी आ रही है, एक बार में लोग भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन आप देखते हैं कि लोकपाल आ चुका है, बन चुका है, सब कुछ हो चुका है ना, लेकिन मालूम ही नहीं चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए कोई भी संस्था बनाई जाती है, कोई भी अधिनियम नियम कोई लाया जाता है, उससे पहले अगर आप जनता को जागरूक कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आप सोचिए कि कम से कम 90% सफल हो जाते हैं आप लोग। अब आप कोई नियम कानून ले आते हैं और उसके प्रति जनता जागरूक ही नहीं रहती है, तो आप देखते हैं उसके परिणाम क्या रहते हैं। इकाई 5 में केस स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित होगी और इसे आप लोगों को पढ़ना होगा, आंसर देखना होगा। तो इस तरह से आपका मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम कवर होता है, और इंग्लिश में अगर आप लोग अंग्रेजी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और एक और बात बता दूं, इसकी PDF फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर डाल दी गई है, ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। ये पेपर सेकेंड हो गया, ठीक है, चलिए आगे चलते 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 थर्ड पेपर हो गया है, लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चलते 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 फोर्थ पेपर हो गया। और बड़े एक एक लाइन से मुझे तो लगता है एक एक शब्द को आप लोग कवर करिए तो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे, सिलेबस में कोई भी शब्द नहीं छूटना चाहिए। अब आते हैं पंचम प्रश्न पत्र पर, जिसे आप लोग सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के नाम से जानते हैं, और ये 200 नंबर क्या रहता है आप सभी जानते हैं। इस प्रश्न पत्र पर स्तर पर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होना चाहिए, और इसका उद्देश्य है कि उम्मीदवारों की पढ़ने व समझने, भाषाई क्षमता, लेखन की योग्यता, हिंदी में स्पष्ट एवं सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। सामान्यतः निम्नलिखित विषय सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, और आप सभी जानते हैं 25 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 75 नंबर के रहेंगे। अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इस तरह से टोटल 10 नंबर के रहेंगे। अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट, ये आपका 35 नंबर का रहेगा। संधि एवं समास विराम चिन्ह, ये आपका देखिए 20 नंबर का रहेगा। प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली प्रत्येक अंक, यानी कि टोटल 20 नंबर का रहेगा। और मेरा मानना है कि देखिए अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के अपने सामने रख लोगे तो आप लोग बेहतर आप लोग आंसर दे पाओगे, ठीक है। मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप लोग तत्सम, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्दावली, आपठित गद्यांश, पल्लवन, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भावफलन, संक्षेपण, गद्यांश, गद्यांश का इत्यादि शब्दों में संक्षेपण, इस तरह से टोटल 200 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका देखिए हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का प्रश्न, षष्ठ प्रश्न पत्र, छठवा प्रश्न पत्र, लास्ट प्रश्न पत्र। तो याद रखिए प्रथम निबंध रहेगा, 1000 शब्दों में लिखना होगा और 50 अंक का रहेगा। इसमें आप देखिए निम्नांकित क्षेत्रों से निबंध पूछा जा सकता है, पर्यावरण हो, विज्ञान हो, धर्म, आध्यात्मिक शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता संस्कृति, योग, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही, जनजातीय विकास, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, मादक पदार्थों का सेवन, दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो निबंध होगा ये समसामयिक समस्याएं निदान पर होगा, लगभग 500 शब्द में देना होगा, 25 अंक का रहेगा, जो आप देखते हैं ना करंट में जो भी चर्चा में रहते हैं टॉपिक। प्रारूप लेखन शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, सर्क्यूलर, प्रपत्र, प्रज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, राइटिंग, अधिसूचना, इस पर लिखना होगा, 250 शब्दों में लिखना होगा कोई दो, और 25 अंक का रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे छठा पेपर आपका सॉन्ग
कितना 100 अंक का रहेगा टोटल। हिंदी एक तरह से इसका उद्देश्य यही है कि अभ्यर्थी को हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति उसके सामान्य हिंदी के ज्ञान का परीक्षण करना और इस प्रश्न पत्र के उत्तर देने का माध्यम केवल हिंदी रखा गया है, आपको हिंदी में इसका आंसर लिखना होगा। इस तरह से आपका होता है सिलेबस कवर, ठीक है। जब आप लोग मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे तो इंटरव्यू बता चुका हूँ, इंटरव्यू में पहुंचे और लास्ट में इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के आंसर नंबर जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको एक पद दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखिए एमपीपीएससी के बारे में मुझे लगता है कि एक संपूर्ण नॉलेज आपको जानकारी मिल चुकी है, विस्तार से हम लोग बात कर चुके हैं। अब आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे कि आपके जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक, और विस्तार से उनके आंसर जानेंगे हम लोग, जो भी रहेगा मिलते रहेंगे। और इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची ही बना लेता हूँ, उसमें सभी क्लासें आपकी डली रहेंगी, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, कहाँ जाने वाले हैं, आप लोग एंजॉय करिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।